वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ यस जैसे कह रहे थे कि एक्टिव रीजन कब होगा जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VGS माइनस VT से लेस देन हो, और जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर हमने ग्रेटर देन कर दिया VGS माइनस VT से, और साथ में ये कंडीशन भी अप्लाई रखी, तो उस केस में तुम्हारा जो MOSFET है वो सैचुरेशन रीजन में काम। अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि ये वाली कंडीशन हमने फुलफिल कर दें, मतलब अगर हम कंडीशन ये बोले कि VDS less than VGS minus VT और साथ में VGS की वैल्यू less than VT, तो उस केस में कौन सा रीजन आएगा? तो क्लियर कट है, जब तक यहाँ पे चैनल क्रिएट नहीं हो तब तक इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की कोई कहानी आएगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काम करना तभी शुरू करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप अट्रैक्ट तभी कर सकते हो जो वहां पे चैनल क्रिएटेड। जब तक चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ तब तक तो MOSFET के लिए कुछ काम ही नहीं, ठीक। और ये सारी चीजें एनहेंसमेंट मोड में बात हो रही है कि एनहेंसमेंट मोड में इनिशियली कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। अभी डिप्लीशन टाइप में देखोगे वहां पे चैनल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, वहां पे चीजें अलग होंगी थोड़ी सी, ठीक है। एनहेंसमेंट टाइप MOSFET के केस में तो तुम्हारा के जब तक चैनल नहीं, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एक बात कह रहे थे सर, अगर यूनिट 4 के कंबाइंड नोट्स अपलोड हो जाए तो कर दीजिए। ठीक है बेटा, कुछ दिन में हो जाए। थैंक यू सर। ओके सर। पर जितना भी डिस्कशन लोगों ने किया था यही डिस्कशन बात करते हैं पी चैनल। तो पी चैनल का मतलब क्या है? यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होगा वो एन टाइप का होगा, इधर साइड पे पी प्लस और एन प्लस का, ठीक। चैनल यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज देके अपने यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट करा। जितनी भी हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी है, जितनी भी वर्किंग हमने जो ऑपरेशन पढ़ा एन चैनल के केस में, वो सारी चीजें तुम अप्लाई करोगे यहाँ पे पी चैनल के केस में, ठीक। चेंजेस क्या आएंगे? गेट टू सोर्स वोल्टेज जो हम देंगे वो नेगेटिव, जब हम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे तभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट,
कि मिनी एन चैनल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये ट्रिपल करेगा नेगेटिव चार्ज, और इधर साइड से इधर साइड से इधर साइड से होल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तब यहाँ पे जाके तुम्हारा जो पी चैनल है यहाँ पे एग्जिस्ट है। सेकंड, अब क्योंकि हमें यहाँ से जब होल्स को अट्रैक्ट करना है सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो हमें अट्रैक्ट करना है होल्स को, दैट मीन ड्रेन का वोल्टेज कम होना चाहिए, सोर्स का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, मीनिंग VDS की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक। अब क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नेगेटिव ही होगा इन केस ऑफ पी चैनल। तो एन चैनल और पी चैनल में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये, यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नेगेटिव। कभी कहीं कहीं पे हम लोग वी जी एस ना पढ़ के वी एस जी पढ़ते हैं पी चैनल के। तो एक बार सभी लोग जितना हमने डिस्कशन इसमें किया है एनहांसमेंट टाइप के एन चैनल में, वो सारा अप्लाई करके एक बार पी चैनल को रियलाइज करने की कोशिश करना कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे चैनल क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से स्मॉल वीडियोस देने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर जब हाई वीडियोस दे रहे हैं, वीडियोस को इंक्रीज कर रहे हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को, तब कैसे वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको हम लोग और डिस्कस करें, फुल डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए एक बार कोशिश जरूर करना खुद से आज इसको एक बार ट्राई करना, जो भी चीजें सारी एन चैनल में थी सेम वही कॉन्सेप्ट, वही जैसा ऑपरेशन एन चैनल का था सेम वैसे ही ऑपरेशन यहाँ होगा, जो चेंजेस आने हैं वो हम कल थोड़े और डिस्कस करें। मेन अभी जो चेंजेस तीन डिस्कस किए यही मेन चेंजेस है, लेकिन इनकी वजह से रीजन में चेंजेस, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के जो चेंजेस है वो हम लोग अलग से डिस्कस करें, बाकी ऑपरेशन एकदम से एक बार ऑपरेशन को खुद से रियलाइज करने की कोशिश करना, इन केस कुछ डाउट होता है तो वो कल पूछ। सुमी ने अटेंडेंस मार्क कर ली, यस सर। हेलो बेटा, जो अभी भी अटेंड, हाँ बेटा सर, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है सर, कि स्क्रीनशॉट ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें, ओके सर। और हाँ, जो भी लोग यहाँ आके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि कुछ अरेंजमेंट अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ आके एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली लैब में करना चाहे तो वो यहाँ पे भी कर सकते। तो ये बातें तो मुझे लैब होगी सेकेंड हाफ में तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा सोच लेना कि तुम लोगों में से कितने लोगों को यहाँ आके लैब कर, ठीक है। तो मीटिंग एंड करते हैं भी।